हेलो दोस्तों, मैं चंदू सबका बंधु। हेलो दोस्तों, मैं पंकज। दोस्तों, आज है नए चैलेंज में जो कि गोस्ट नूडल्स ईटिंग चैलेंज। नूडल्स की दोस्तों एक बड़ी प्लेट मेरे पास है और एक बड़ी प्लेट पंकज भाई के पास है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस नूडल्स का नाम गोस्ट नूडल्स क्यों रखा है हमने। दोस्तों, ये नाम हमने नहीं रखा है, ये नाम इसका रेस्टोरेंट वालों ने रखा है। और ये नाम उन्होंने क्यों रखा है ये मैं आपको बता दूं। वो बता रहे थे हमें कि इसमें दुनिया का जो सबसे तीखा वाला मसाला होता है वो हमने यूज किया है, जो तीखी मिर्च होती है वो यूज किया, और साथ के साथ हम ले तो आए हैं और इसे सबसे ज़्यादा तीखा बनाने के लिए हमने एक और चीज़ यूज करी है इसमें, वो आप देख सकते हैं, ये हरी हरी मिर्च। ये 5 मेरे पास हैं और 5 चंदू भाई के पास है, और आप सोच सकते हो ये कितनी ज़्यादा तीखी हो गई होंगी। पहले से ही तीखी हैं, उसके बाद जो मिर्च, आज तो धुआं निकलने वाला है, ये समझ लो मेरा भी और चंदू भाई का भी। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार के ये नूडल्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं खाने के लिए, तो ये उनके लिए बनाए जाते हैं। चंदू भाई, आज बता दो कैसे चैलेंज करना चाहोगे, एक एक करके चैलेंज करना चाहोगे कि पहले एक साथ? आप बता दो, आप चाहोगे जैसा कर लो। नहीं, आप बताओ आपको कैसे अलग अलग करना है कि एक साथ ही करना है। हाँ, तो ऐसा कर लो, पहले मैं कर लेता हूँ, मेरे बाद में तुम कर लेना। तो चलिए, आज का चैलेंज कुछ इस प्रकार होगा। चंदू भाई ने बता दिया है अपने कि पहले खाएंगे चंदू भाई, और चंदू भाई का टाइम चलेगा, और उसके बाद मैं खाऊंगा। जो जल्दी टाइम में ख़त्म कर लेगा अपनी सारी चाउमीन वो आज का विनर रहेगा, और जो लेट ख़त्म करेगा वो लूजर रहेगा। पंकज भाई, आज मैं नहीं करूँगा, आज सबसे पहले तुम ट्राई करोगे। नहीं नहीं चंदू भाई, आज तुम ही करोगे, क्योंकि तुम ट्राई करके देखो, तुम्हारे बाद मैं करूँगा। तो चलिए, तो मैं ट्राई करता हूँ आज। तो चलिए दोस्तों, आज का चैलेंज मैं पहले स्टार्ट करूँगा और चंदू भाई करेंगे सेकंड राउंड में। और आज चंदू भाई इसलिए सेकंड बार में कर रहे हैं क्योंकि आज मेरी टाइमिंग देखेंगे, उसके बाद चंदू भाई और भी तेज़ खाएंगे। और चंदू भाई जीतोगे कि हारोगे? अरे जीतूंगा मैं, आज चंदू भाई जीतेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पंकज भाई का टाइम शुरू होता है 3, 2, 1। जोर जोर से खा गया हूँ, उसके बाद हालत खराब हो गया। मैं मिर्च लगी लगती गई लगती गई, मैं खाता गया खाता गया। तो पंकज भाई, वॉशरूम जाना है तो और चले जाओ, फिर मैं वॉशरूम में जाऊँगा, ये खाओ तो उसके बाद पता चलेगी कौन वॉशरूम जाएगा, मैं जाऊँगा कि तुम जाओगे। ये देखना, मैंने ऐसा खाया है जो भी मेरी जीभ में घुस के टेढ़ी हो गई है, ये देखना एक तरफ से। तो दोस्तों, अब आई मेरी बारी, मेरा चैलेंज शुरू होता है 3, 2, 1। तीन बार बहुत होते हैं यार।
यार आज अंदर वो बहुत पीसफुल लोग आ रहे हैं मैं तेरे लिए हूँ मेरी पूरी बनावट मिर्च नहीं है मिर्च है नहीं चलने वाली मिर्च नहीं मुझे तो लग रहा है फीकी है मिर्च तो है ही नहीं दोस्त मिर्च नहीं है फी नहीं है तो दोस्तों मैं जीत चुका हूँ और मुझे लगी है 3 मिनट 34 सेकंड और चंदू भाई हार गए हैं जो कि दावा कर रहे थे मैं जीतूंगा चंदू भाई बताएंगे अपने मुझसे कितना टाइम लगा चंदू भाई 4 मिनट 12 सेकंड तो चंदू भाई आप तो बोल रहे थे कि मैं जीतूंगा आज का चैलेंज जीतूंगा तो मैं हरा के दिखाऊंगा तो कैसे हार गए चंदू भाई तो वो क्या कि चैलेंज तो मैं जीतने ही वाला था दो बार क्या हुआ था दोस्तों मेरे गले में जो मिर्च थी वो मैंने साबित खा ली थी तो गले में फंस गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा पानी पीने में वो लगने में टाइम लग गया उसकी वजह से मैं आज का चैलेंज हार गया तो ये बताओ चंदू भाई हमेशा तुम्हारे गले में कुछ ना कुछ फंस के हो जाता है तो दोस्तों जब हम नूडल्स खा रहे थे तब इतना तीखापन महसूस नहीं हो रहा था उसके बाद तो ऐसी हालत खराब हुई पेट में जलन मच रही है अभी भी और आग सी मच गई है दोस्तों यकीन मानो और मुझे लग रहा है चंदू भाई का तो आज धुआं निकल गया उनके बता रहे थे गले में भी मिर्च फंस गई थी उनके घुस गई थी तो दोस्तों चलो जो भी है अब आती है सजा की बारी तो मैं सजा में लेके आया हूँ यकीनो और ये कच्चा पालक है और ये वही मेथी है जो मेरे को उस दिन दांत तोड़ दिए थे चंदू भाई ने खिला के और ये दही है ये 2 दिन पहले का रखा हुआ दही है ये काफ़ी खट्टा हो गया है और मुझे बताया जाता है कि दही में छोटे छोटे कीड़े भी पड़े जाते हैं 3-4 दिन रखे हुए तो आज इन्हें यही खिलवाऊंगा तो चलो इनकी सजा तैयार करते हैं जी दोस्तों इनकी सजा तैयार हो गई मिला के और कुछ भी बचने नहीं चाहिए इसे मैं बाद में खाऊंगा पीऊंगा इनो पानी में डाल के पीऊंगा इसे मैं मेरा पच जाएगा मेरी चल मच रही अंदर आग हो गई है पेट में और चंदू भाई बता दे रहा हूँ अभी प्लेट एकदम साफ होनी चाहिए कुछ भी रहने जाना चाहिए दोस्तों आप सुन सकते हो आवाज दांत टूटने वाली जब मैथी रह गई इधर जीप से चाट लो तो दोस्तों आज का चैलेंज हमारा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो हमारी शेयर करना और तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैलेंज में तब तक के लिए बाय यही नो घर जाके पीऊंगा
जब हम नूडल्स खा रहे थे तो इतनी तीखापन महसूस नहीं हो रहा था, इतना इतनी मिर्च महसूस हो रही थी। अब जो आग मच रही है पेट में उससे दोस्तों हालत खराब हो गई है।